Hi everyone, welcome to this video, and in this video we are going to solve a question based upon motion in a plane from physics. So our question is, a fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 km with a speed of 720 km per hour passes directly overhead an anti-craft gun. तो इस प्रॉब्लम को हम ड्रॉ करते चलते हैं साथ में ताकि हमें अच्छे समझ में आए। तो यहाँ गिवन है कि एक एरोप्लेन है इस तरह एंड एरोप्लेन इज एट ऑल्टीट्यूड 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर एंड दिस प्लेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर एंड ये किलोमीटर पर आवर में है तो हम यहीं पे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5 बाय 18 सो इट विल कम 18 4 ज 72 एंड 0 तो ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड सो ये आ गया हमारा प्लेन का वेलोसिटी ठीक है अब आगे देखते हैं पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी क्राफ्ट गन अब ये प्लेन जब यहां से पास हो रहा है तो इसी के जस्ट परपेंडिकुलरली यहां पे नीचे यहां पे एक एंटी क्राफ्ट गन है एंटी क्राफ्ट गन मतलब जो प्लेन्स को फायर करने के लिए यहां पे एक गन है अब इस गन से हमें एक बुलेट को फायर करना है ताकि हम इस प्लेन को शूट कर सकें अब प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हम इस बुलेट को यहां से फायर करेंगे तब तक ऑब्वियस बात है प्लेन यहां से आगे निकल चुका होगा सो आगे क्वेश्चन है द गन फायर्स अ शेल विद अ मजल स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड एट अ सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट द इंस्टेंट प्लेन इज वर्टिकली अबव द गन अब देखो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि अगर हम गन को यहीं से फायर कर देते हैं इसी एंगल पे तो जब तक बुलेट यहां तक पहुंचेगा तब तक प्लेन आगे निकल चुका होगा सो यहां पे हमें गन को एक एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा ठीक है एंड एक एंगल पे टिल्ट करने से होगा क्या कि जब तक ये प्लेन फॉरवर्ड ऐसे फ्लाई होके यहां तक पहुंचेगा तब हम यहां से बुलेट फायर करेंगे तो ये बुलेट जाके कहीं ना कहीं उस प्लेन से कोलाइड कर जाएगी यहां पे इस पॉइंट पे कहीं ठीक है तो ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा है अब आगे बोला गया है यहां पे जो बुलेट का मजल स्पीड होगा मतलब निकलते वक्त जो बुलेट का स्पीड हमें गिवन है वो गिवन है 600 मीटर पर सेकेंड ये उसका स्पीड होगा जब फायर की जाएगी वो बुलेट यहां से इफ द शेल हिट्स द प्लेन फाइंड द एंगल मेड बाय द शेल विद द हॉरिजॉन्टल एट द इंस्टेंट इट वॉज फायर्ड सो यहां पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब इस शेल को फायर किया गया तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना था कितने डिग्री था ये पूछा गया है तो प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गया अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलो देखते हैं सो बेसिकली यहां पे हमसे एंगल पूछा गया है कि बताओ हमें गन को कितने एंगल पे टिल्ट करके फायर करना पड़ेगा कि इससे जो बुलेट निकले ये जाके इस प्लेन से टकरा जाए सो यहां पे आप एक चीज गौर करो कि प्लेन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड सपोज टी टाइम में वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा जिसको हम मान लेते हैं एक्स तो यहां पे हम लिखते हैं लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन इज इक्वल्स टू एक्स ठीक है हमने मान लिया कि सपोज प्लेन ने एक्स डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम तो जो हमने एक्स डिस्टेंस माना वो क्या होगा प्लेन का वेलोसिटी इस समय कितना है 200 एंड सपोज वो टी टाइम्स तक फ्लाई करके इतने डिस्टेंस तक पहुंचा तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम सो इसको हम बना लेते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन सो प्लेन ने तो एक्स डिस्टेंस यहां पे कवर किया सो बुलेट को भी यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस ही कवर करना पड़ेगा ताकि ये ऊपर जाके प्लेन को ऐसे शूट कर पाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे सो देखो होना तो इसको एक्स ही है बिकॉज एक्स इसको हॉरिजॉन्टली यहां पे मूव करना है वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होगा इतने किलोमीटर का एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इसको एक्स डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा ताकि ये ऊपर जाके यहाँ पे प्लेन को शूट कर पाए सो हम बुलेट के मोशन को सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टडी करेंगे सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम इसका वेलोसिटी रिजॉल्व कर लें तो इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा सो इट विल कम 600 कॉस थीटा ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट यानी कि यू एक्स यू एक्स विल बी इक्वल टू 600 कॉस थीटा सो यहां पे हम मान लेते हैं लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स इज इक्वल टू अब यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बुलेट का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है 600 कॉस थीटा ये है उसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का मल्टीप्लाई बाय इसने भी सपोज टी टाइम में ही कवर किया होगा बिकॉज टाइम भी दोनों के लिए सेम होगा एंड डिस्टेंस भी दोनों के लिए सेम ही रहा होगा प्लेन एंड हमारी बुलेट के लिए सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू अब अगला काम हमें क्या करना है हमें ये तो पता है कि ये एक्स डिस्टेंस और ये नीचे वाला एक्स डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ये दोनों सेम होने चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम आएगा तभी ये बुलेट यहाँ पे जाके प्लेन को स्ट्राइक कर पाएगा सो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू
क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप दोनों को इक्वेट कर दो, सो आ जाएगा 200 T इज इक्वल्स टू 600 cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टी, यहाँ का टी कैंसिल हो जाएगा, देन टू जीरोज विल बी कैंसिल, देन 1 3, सो ये कितना आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, यहां से आप थीटा इज इक्वल्स टू कर सकते हो cos इनवर्स ऑफ 1/3, हम cos का इनवर्स ले लेंगे, सो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 70.53 degrees। सो हमें इतने एंगल पे एंटी एयरक्राफ्ट गन को रख के शूट करना पड़ेगा, तब जाके इसका बुलेट स्ट्राइक करेगा प्लेन से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।